ओम श्री गणेशाय नमः माय डियर फ्रेंड्स। सो आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, अच्छा कर रहे होंगे अपनी लाइफ में फ्रेंड्स। तो आज हम एक डिफरेंट तरह की रीडिंग करने लगे हैं जो कि है पिक अ कार्ड रीडिंग फॉर योर फ्यूचर पार्टनर। जो लोग भी सिंगल हैं ड्यू टू एनी रीज़न, उन वो लोग ये रीडिंग्स देख सकते हैं। और जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उनकी लाइफ में एक न्यू पार्टनर आएगा या आने वाले टाइम में वो एक पार्टनर के अंदर क्या क्वालिटीज़ देख सकते हैं, वो किस तरह से उनकी लाइफ को इम्पैक्ट करेगा और वो कैसे उन्हें डील करना चाहिए। तो ये एक पिक अ कार्ड रीडिंग होगी जिसमें हम वन बाय वन डेक से निकालेंगे। तो फ्रेंड्स, इसमें सबसे लास्ट में मैं गाइडेंस निकालूंगी, बट मैं आपको बता दूं ये है डेक नंबर वन। तो जो ये सिलेक्ट करेगा, मैं टाइम स्टैम्प लगा दूंगी, आप टाइम स्टैम्प से भी देख सकते हैं। ये है डेक नंबर वन, तो जो इसको करेगा उसकी अकॉर्डिंग आप उसके टाइम स्टैम्प पे जाके देख लेना। और ये है डेक नंबर टू, और इसकी रीडिंग आप उसके अकॉर्डिंग देख लेना। तो ये दो डेक्स के अकॉर्डिंग आपको जोन सा भी डेक आपसे रेजोनेट करे, आप उसको जो आपको लग रहा है ज़्यादा ट्रैक कर रहा है, या आपको लग रहा है कि मेरी रीडिंग इसके अकॉर्डिंग होगी, या मेरी इंट्यूशन ये कहती है कि मुझे ये चूज़ करना चाहिए वो। और सबसे लास्ट में हम एक बार मूनोलॉजी से आपके लिए डिवाइन गाइडेंस निकालेंगे, ट्राई करेंगे कि डिवाइन आपको इस सिचुएशन में क्या कहना चाहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो जितनी रेजोनेट हो प्लीज़ उसी को लीजिएगा, कुछ भी अपने ऊपर फोर्स मत कीजिएगा। और स्टार्ट करते हैं जल्दी से फ्रेंड्स। ऑल राइट फ्रेंड्स, तो जिन्होंने भी ये वाला डेक सेलेक्ट किया था, हम उनके कार्ड्स के साथ इनकी फ्यूचर स्पाउस की रीडिंग करेंगे, देखेंगे कि किस तरह का स्पाउस आपको फ्यूचर में मिल सकता है, क्या होंगी उनकी क्वालिटीज़। ठीक है फ्रेंड्स, ओके। वाओ फ्रेंड्स, सबसे पहला कार्ड ही कितना ब्यूटीफुल आ गया है, द लवर्स। तो आप देख लीजिए कि जो भी ये पर्सन होगा बहुत ही आपकी तरफ अट्रैक्ट होगा, बहुत ही मतलब आपके मन में उसके लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स होंगी, और बहुत जल्दी आपकी लाइफ में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और स्पेशल जगह बना लेगा जो भी ये पर्सन होगा। ठीक है, तो एक तो ये है, दूसरा क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। फ्रेंड्स, नेक्स्ट कार्ड आया है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, बहुत ही पैशनेट पर्सन, एक ऐसा पर्सन जो कि लाइफ को लेके, रिश्तों को लेके, चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा पैशनेट होता है, चीज़ों में बहुत एफर्ट्स लगाता है और अपनी तरफ से बहुत ही ज़्यादा आगे बढ़ के नेक्स्ट लेवल जाने की कोशिश करता है। तो मुझे जहाँ तक दिख रहा है कि देखिए, उसके अंदर जो सबसे अच्छी मुझे बातें दो दिखी हैं, एक तो ये कि वो बहुत ही ज़्यादा लविंग होगा, और दूसरा कि वो बहुत ज़्यादा पैशनेट होगा अपनी चीज़ों को लेके, अपने रिश्ते को लेके, और कहीं ना कहीं आपको लेके। ठीक है, अगला देखिए, जस्टिस का कार्ड आया है। तो इस कार्ड से जो सबसे अच्छी बात है जस्टिस के कार्ड में, वो ये है कि वो पर्सन जो भी होगा वो आपके साथ कभी भी एक तरफा बात नहीं करेगा, आपको मौका देगा, आपकी बातों को समझने की कोशिश करेगा। कहीं ना कहीं वो एक ऐसा पर्सन होगा जो शायद अपनी फैमिली के और आपके बीच में एक बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश करेगा, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखें कि जस्टिस के कार्ड में इनके हाथ में एक तराजू है, और तराजू में जो पर्सन है, अगर आपकी लाइफ में कोई चीज़ है जो कि अनबैलेंस्ड है अभी तक, तो ये पर्सन उस तरह की फीलिंग्स के साथ आपकी लाइफ में आएगा और आपके साथ अन्याय तो नहीं करने देगा, ना करेगा, जो मुझे दिखा है इस डेक के लोगों के साथ। और एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, तो अगर हो सकता है कि ये जो भी पर्सन हो, ये मुझे जहाँ तक दिख रहा है, ये अपनी तरफ से आपकी लाइफ में बिगिनिंग करेंगे, ये आपकी लाइफ में जैसे आकर ये आपको ज़्यादा अपनी फीलिंग्स शो करेंगे, चीज़ें दिखाएंगे। और मुझे जहाँ तक दिख रहा है कि ये यूनिवर्स ने ही आपकी लाइफ में इस पर्सन को लाने के लिए एक प्लान बनाया है, कुछ इस तरह के कार्ड्स दिख रहे हैं फ्रेंड्स। अगर हम आगे देखें
तो अभी फिलहाल जो ये पर्सन है अपनी लाइफ में किस फेज में चल रहा है, अगर मैं ध्यान से देखूँ तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड है। शायद अभी वो अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं एक ऐसी सिचुएशन में है जिसमें अभी वो इमोशंस से शायद थोड़ा सा मुझे दूर दिख रहे हैं, लेकिन आने वाले वक्त में जो ये शुरुआत हुई है, जो ये पैशनेट बिगनिंग हुई है, ये बहुत ही अच्छी दिखी है। मे बी देखिए मैंने कहा था ना अभी फ़िलहाल वो ऐसे हैं, लेकिन देखिए क्वीन ऑफ कप्स के कार्ड से मुझे दिख रहा है कि धीरे धीरे जब चीज़ें क्लैरिटी की तरफ जाएंगी तो जो भी ये पर्सन होगा बहुत ज़्यादा खुलने लगेगा और चीज़ों को आगे बताने लगेगा। और देखिए टू ऑफ सोर्ड से मुझे थोड़ा कन्फ्यूजन दिखा था, बट टेम्परेंस के कार्ड से मुझे फिर से दिखा जैसे जस्टिस में एक इंसान इमोशंस और प्रैक्टिकलिटी को लाइफ में एक बैलेंस करके चलता है, उसी तरह का ये पर्सन होगा और आपकी लाइफ को और इस रिश्ते को बहुत अच्छा बैलेंस करने की कोशिश करेगा। ये देखिए अगर चीज़ें उनके अकॉर्डिंग या आपके अकॉर्डिंग नहीं भी चल रही हैं तो वो एक तरह से डिवाइन को मानने वाले पर्सन होंगे, बहुत ही ज़्यादा समझदारी से आगे चलने वाले हैं, जिसमें इंसान ज़बरदस्ती का उलझता नहीं है चीज़ों के साथ। वो एक इंसान अगर कोई लाइफ में एक ऐसी सिचुएशन आ गई है जिसका सोल्यूशन नहीं निकल रहा है तो कहीं ना कहीं गॉड फियरिंग पर्सन होगा, जो लाइफ में अपने एफर्ट्स के बाद अगर चीज़ें नहीं होंगी तो वो फिर आकर आने वाले टाइम में अपने परमात्मा को अपनी लाइफ समर्पित कर देगा। और देखिए चैरियट से मुझे जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ दिखी है कि लाइफ में एक मूवमेंट लेके आएगा, जैसे ही वो पर्सन आपकी लाइफ में एंटर होगा डेफिनेटली बहुत ही स्ट्रॉन्ग मूवमेंट लेके आएंगे ये पर्सन। तो मुझे ओवरऑल इस कार्ड, इस डेक के सारे कार्ड्स बहुत ही पॉजिटिव दिखे हैं। थोड़ा सा एक कार्ड मुझे कन्फ्यूजन वाला दिखा था, बट मे बी वो खुद अभी जिस फेज़ में है वहाँ से उन्हें बाहर निकलने में शायद थोड़ा सा समय लग रहा है और चीज़ें उस हिसाब से हो रही हैं उनकी लाइफ में। बट यस आने वाले टाइम में डेफिनेटली मुझे दिख रहा है कि कुछ अच्छा ही है फ्रेंड्स। ऑल राइट, तो मैं अब आपके लिए गाइडेंस निकालती हूँ एक बार कि अभी फ़िलहाल अगर आप अपने लिए स्पाउस सर्च कर रहे हैं या आप इस सर्च से गुजर रहे हैं तो आपको फ़िलहाल डिवाइन क्या बोल रहे हैं इस सिचुएशन में, आइए देखते हैं। देखिए दो कार्ड्स आ गए, तो एक आया है एक्सपेक्ट द पावरफुल चेंज, तो डेफिनेटली कुछ पावरफुल ही होने वाला है, कुछ बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है। ए पर्सनल इशू रीचेज रेजोल्यूशन, तो अगर आप अपनी लाइफ में किसी प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं और उसके लिए आप सोल्यूशन नहीं ढूंढ पा रहे हैं तो डेफिनेटली आप शायद एक सोल्यूशन तक पहुंचेंगे और उसमें आपको अपने स्पाउस को फाइनली अपनी लाइफ में लाने में हेल्प होगा। तो बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड्स आए हैं और फ्रेंड्स आई होप आप इस एनर्जी से रेजोनेट कर पाए हों। ओके सो क्लेम करके बताना क्या पाइल वन आपसे ये मैच किया। अब हम बढ़ते हैं पाइल टू की तरफ। थैंक यू सो मच। ऑल राइट सो पाइल टू अब आपकी है बारी, आइए देखते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस की क्या है रीडिंग, क्या फील कर रहे हैं फ्रेंड्स वो आपके लिए या क्या फील करेंगे आने वाले टाइम में आप उनके लिए। सो उनके बारे में जानते हैं क्या है बेसिक क्वालिटीज। ऑल राइट क्वीन ऑफ पेंटिकल्स फ्रेंड्स, ब्यूटिफुल कार्ड है ये। अगर मैं आपको इसके बारे में बताऊं तो बहुत ही ज़्यादा फाइनेंशियली अबंडेंट पर्सन, बहुत ज़्यादा कंटेंट, बहुत सोच समझ के लेने वाला डिसीजंस लाइफ में, एक ऐसा पर्सन जो बहुत ज़्यादा मेहनत करता है, हो सकता है स्ट्रगल भी करके पहुंचा हो तभी क्वीन ऑफ पेंटिकल बना है, लेकिन बहुत पॉइज्ड, बहुत समझदार, बहुत ही ऐसा पर्सन जो अपनी लाइफ में अपने डिसीजंस लेता है और कहीं ना कहीं बहुत समझदारी से आगे बढ़ता है चीज़ों में, ये वैसे पर्सन का कार्ड है फ्रेंड्स। अगला देखते हैं फाइव ऑफ सोर्ड्स, तो मुझे
कुछ तो दिख रहा है कि फिलहाल उनकी लाइफ में किसी तरह का कुछ, फिलहाल एक तरह का एक ऐसा कंपटीशन चल रहा है जिससे शायद वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड हैं। ये जो भी पर्सन है ये तो नहीं पता, बट हाँ कहीं ना कहीं मुझे ऐसा उनके लिए दिख रहा है। और देखिए अगला कार्ड तो द टावर का कार्ड आया है। डेफिनेटली वो किसी ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं, एक बहुत बड़े चेंज से गुजर रहे हैं अपनी लाइफ में, और मे बी ये आपकी लाइफ में भी ऐसे ही आए कि बहुत बड़ा एक चेंज आए या कोई साइकिल कंप्लीट हो इनकी लाइफ में और फिर ये आपकी लाइफ में आए, जो मुझे दिख रहा है। ये देखें कि कैसे ये वाली प्रॉब्लम्स के बाद एक टावर मोमेंट आया एंड देन फूल आया, तो ज़रूर ये किसी प्रॉब्लम से निकलने के बाद ही आएंगे और कहीं ना कहीं खुद को स्टेबल करेंगे और लाइफ में एक न्यू बिगनिंग करेंगे। और मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करेंगे, तभी हमने फ्यूचर स्पाउस की जो रीडिंग की है उसमें इनका नाम आया है। और कार्ड्स लेते हैं फ्रेंड्स। ये देखिए दोनों कार्ड्स बहुत ही अच्छे आए हैं, एक आया है द हर्मिट और एक आया है द एम्प्रेस। तो हर्मिट का कार्ड एक ऐसे पर्सन का कार्ड होता है, एक ऐसा पर्सन जो लाइफ को बहुत ही समझदारी से आगे चलता है, अपने डिसीजंस में बहुत फर्म होता है और मास्टर होता है अपनी चीज़ों को लेके, उन्हें कैसे एक लेवल से दूसरे लेवल पे लेके जाना है। तो जो भी ये पर्सन है या अभी फ़िलहाल आपकी लाइफ में है या नहीं, बट अगर ये फ्यूचर स्पाउस आपका बना तो बहुत ही सोच विचार के डिसीज़न लेगा ये लाइफ में। इसके डिसीजंस ऐसे नहीं होंगे कि जो मन आया और बस कर दिया, ऐसा नहीं होगा ये पर्सन। और एम्प्रेस से ये मुझे लग रहा है कि आपकी लाइफ को ग्रोथ, अबंडेंस और खुशियों से भरने वाला पर्सन होगा। सेल्फिश नहीं नज़र आया मुझे अभी तक ये पर्सन, एक बार भी ऐसा नहीं लगा कि ये पर्सन सेल्फिश है, बल्कि अपनी दुनिया, जिस भी पर्सन के साथ ये इन्वॉल्व होगा उसे अपनी लाइफ में बहुत ही इम्पॉर्टेंट जगह देगा, बहुत ही अच्छे से उसके साथ रहेगा। फोर ऑफ कप से मुझे डेफिनेटली दिख रहा है कि फ़िलहाल ये किसी न किसी प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, क्योंकि फाइव ऑफ सोर्ड्स, टावर एंड फोर ऑफ कप्स, तो डेफिनेटली अभी की जो इनकी एनर्जीज हैं वो शायद अभी शायद थोड़ी स्ट्रेस्ड आउट हैं, बट मैनिफेस्टेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है। और मैजिशियन से मुझे दिख रहा है कि आने वाले टाइम में ये पर्सन बहुत ज़्यादा ग्रोथ की तरफ जाएगा और बहुत मेहनत करता मुझे दिख रहा है। देख रहे हैं थ्री ऑफ वॉन्ड्स, मतलब कि प्लानिंग कर रहे हैं, आगे के बारे में सोच रहे हैं कि ज़िंदगी में कैसे अगले लेवल पे जाया जाए, कैसे अपने पार्टनर को ढूंढा जाए। अभी जो एक थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक टाइम से ये गुजर रहे हैं, लेकिन आने वाला टाइम ज़रूर डेफिनेटली मुझे इनका अच्छा दिख रहा है। तो फ्यूचर स्पाउस में जिसने भी ये वाला डेक सेलेक्ट किया है, मुझे तो अभी उनकी यही रीडिंग्स दिख रही हैं। मे बी आप ऐसे किसी पर्सन को जानते भी हों जो कि अपनी लाइफ में फ़िलहाल शायद थोड़ी स्ट्रगल से गुजर रहा हो और आप उसको शायद बहुत चाहते हैं या पार्टनर भी बनाना चाहते हैं। ऑलराइट, तो मैं ऐसे पर्सन के लिए, आपके लिए डिवाइन गाइडेंस देखूंगी कि आपको ऐसे सिचुएशन में क्या करना चाहिए। अगर आप ऐसे किसी पर्सन को ऑलरेडी जानते हैं या आप ढूंढ रहे हैं अपने लिए स्पाउस, सो नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन। तो अभी फ़िलहाल जैसे वो पर्सन बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड है और आपको ऑलरेडी पता है कि भाई ये मे बी मुझे चूज़ करेंगे कि नहीं, तो फ़िलहाल के लिए आप स्ट्रेस मत लीजिए। अभी उन्हें, मैंने आपको बोला कि अभी उन्हें उन चीज़ों से बाहर निकलने दीजिए। एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज, ये कार्ड पाइल नंबर वन के लिए भी आया था कि पावरफुल चेंजेस आने वाले हैं। और मे बी आप जैसे अपने स्पाउस के लिए ढूंढ रहे हैं और किसी साइकिल से गुजर रहे हैं, तो आपकी लाइफ में जो भी एक टफ साइकिल है वो ख़त्म होने वाला है, एक नई बिगनिंग होने वाली है, तभी शायद पावरफुल चेंज का भी कार्ड आया है फ्रेंड्स। ऑलराइट, सो ये रीडिंग को हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं फ्रेंड्स। आप मुझे बताना कि आपसे पाइल वन या पाइल टू दोनों में से कौन सा वाला डेक रेजोनेट कर पाया है। अगर आपसे रेजोनेट किया है तो ज़रूर कमेंट्स में मुझे बताना, मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहता है। और जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ वो भी कर दीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।